चलिए स्टूडेंट्स, कर्नाट पार्ट टू में आपका स्वागत है। आई होप कि आप पहला पार्ट अच्छे से आपने देखा होगा, जो और परीक्षा के लिहाज से, परीक्षा की दृष्टि से जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, चलिए स्टूडेंट्स उनके बारे में बात करते हैं। कॉपी पेन उठाइए स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजनीति के बारे में। कर्नाट में कौन कौन सी सीटें हैं, कौन सी आरक्षित सीट है, कौन यहाँ से चुनाव लड़ता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स लिखना स्टार्ट करेंगे। कर्नाट में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। कर्नाट में 5 विधानसभा क्षेत्र आपका इंद्री, नीलोखेड़ी, कर्नाट, घरौंदा, असंत। इंद्री, नीलोखेड़ी, कर्नाट, घरौंदा, असंत। नीलोखेड़ी स्टूडेंट्स आरक्षित है। नीलोखेड़ी आपका आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नीलोखेड़ी। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ाते हैं बात को। लिखिए, कॉपी पेन उठाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए। कर्ण स्टेडियम आपका पड़ता है कर्नाट। कर्ण झील ये भी आपकी पड़ती है कर्नाट। कर्ण झील ये भी आपकी पड़ती है कर्नाट। थोड़ा और स्टूडेंट्स राजनीति के बारे में बात करें, कर्नाट के बारे में, राजनीति के बारे में बात करें, तो आपके सीएम मनोहर लाल खट्टर जी वो भी कर्नाट विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़ते हैं। एक मिनट स्टूडेंट्स, कर्नाट विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़ते हैं। 16वीं लोकसभा में स्टूडेंट्स यहां से कर्नाट से सांसद चुने गए थे अश्विनी कुमार यहां से सांसद चुने गए थे 16वीं लोकसभा। पंजाब केसरी अखबार के संपादक भी हैं। अभी 17वीं जो लोकसभा है यहां से स्टूडेंट्स चुने गए हैं आपके संजय भाटिया यहां से चुने गए। संजय भाटिया लोकसभा सदस्य कर्नाट से स्टूडेंट्स चुने गए। अब लिखिए स्टूडेंट्स, कर्ण झील ये भी कर्नाट में है, और जो चीजें हैं कर्नाट के बारे में उसके बारे में चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स। लिखना स्टार्ट करते रहिए। एक तेज गेंदबाज है अभी जो उभरे हैं, नवदीप सैनी भी स्टूडेंट्स कर्नाट से बिलोंग करते हैं, आरसीबी के लिए खेलते हैं। अभी वेस्ट इंडीज टूर पे गए थे, वनडे क्रिकेट भी खेला, T20 150 प्लस स्पीड से बॉल डालते हैं, अच्छा लगता है देख के। ये भी कर्नाट से बिलोंग करते हैं। लिखिए स्टूडेंट्स, गेहूं अनुसंधान केंद्र, सारी चीजें लिखते रहेंगे। गेहूं अनुसंधान केंद्र, गेहूं अनुसंधान केंद्र जो है ये भी कर्नाट में है। 1978 में इसको स्थापित किया गया था। लिखिए स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी केंद्र या संस्था, ये भी कहां पड़ता है कर्नाट में। आपका पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मधुबन में, मेरे हिसाब से आप परिचित होंगे इस तथ्य से तो कि आपका जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है वो मधुबन में है, वो भी कहां पड़ता है कर्नाट में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, लिखते रहेंगे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, ये भी आपका कहां पड़ता है कर्नाट में। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। पहले इसे 1923 में बेंगलोर में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में इसको कर्नाट में स्थापित किया। यदि आप भिवानी से यात्रा करते हैं चंडीगढ़ की, कर्नाट के अंदर जो ये गाड़ी जाती है स्टूडेंट्स, उससे आप दाईं तरफ देख सकते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, बहुत ज़्यादा
फैला हुआ विस्तृत वहां पे आपको दिखाई पड़ता है। देखिए स्टूडेंट्स, उसके आगे केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र, ये भी आपका काम करता है करनाल में। मिट्टी की जांच करते हैं कि किस प्रकार की मिट्टी है, कौन सी फसल के लिए उपयोगी है, ये भी स्टूडेंट्स कहाँ पढ़ता है करनाल। लिखते रहेंगे सारी चीजें स्टूडेंट्स। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, ये भी स्टूडेंट्स आपके मधुबन में पढ़ती है। होता क्या है, कई बार स्टूडेंट्स लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कई बार कुछ मर्डर होते हैं तो वहाँ चीज़ों को उठाते हैं, इस विज्ञान केंद्र में जांच करते हैं कि अभी कोई और चीज़, कोई बारीक बारीक क्लू है, कोई सुराख है, वो उस डेड बॉडी से मैच करता है, ये किसका डीएनए है। तो स्टूडेंट्स वो सारा काम किसका होता है, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पड़ती है, मधुबन में, वहाँ जाँच के लिए इसको भेजा जाता है। लिखते रहेंगे स्टूडेंट्स, सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, लिखते रहिए, बस सिर्फ करनाल से संबंधित सारी चीज़ें लिखते रहिए। पंजाबी समुदाय की सबसे ज्यादा संख्या, पंजाबी समुदाय की सबसे ज्यादा संख्या स्टूडेंट्स वो कहां पे है, करनाल में है। और लिखिए स्टूडेंट, सबसे कम जनसंख्या वाली नगर निगम, नगर निगम, कम जनसंख्या, कम जनसंख्या वाला नगर निगम वो भी कहाँ पे है, करनाल में। और चीजें स्टूडेंट्स लिखिए, दो योजनाएं भी आपकी चलाई गई हैं, एक सखी योजना, सखी योजना, सखी योजना स्टूडेंट्स क्या है, कोई महिला है अपने पिता या पति के अत्याचार से दुखी है, उसको पुनर्वास में मदद की जाएगी, तो स्टूडेंट्स ये योजना चलाई गई है करनाल से 2015 से यह योजना चलाई गई है। कहाँ स्टूडेंट्स, करनाल में। एक गोवर्धन योजना, गोवर्धन योजना स्टूडेंट्स, गैस बनाई जाएगी, बायोगैस जिसको हम कहते हैं, आपके पास इतने पशु हैं, इतनी प्रचुर मात्रा में, तो गैस बनाना स्टूडेंट्स, ये योजना जो है लिखते रहिए चलाई गई है कुंजपुरा 2018 में। कुंजपुरा से स्टूडेंट्स दो योजनाएं, एक सखी योजना, एक गोवर्धन योजना, दोनों करनाल से स्टार्ट की गई हैं, एक 2018 से, एक 2015 से। लिखते रहेंगे स्टूडेंट्स, एकमात्र सीता का मंदिर, एकमात्र सीता मंदिर वो सिर्फ करनाल में है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता जो है वहाँ धरती की गोद में समा गई थी। माई गांव, गांव पड़ता है माई, माई गांव वहां पे है करनाल में। एक स्वेच्छा, एक अभियान चला था स्टूडेंट्स देश में स्वच्छता के ऊपर, तो हरियाणा का जो पहले नंबर पे स्वच्छ जिला घोषित किया गया वो करनाल था। पूरे देश में करनाल को स्वच्छता के मामले में 41वां स्थान दिया गया, 41वां स्थान स्टूडेंट्स दिया गया। दूसरी चीजें स्टूडेंट्स, हरियाणा में नंबर एक पे करनाल स्वच्छता अभियान में, पूरे देश में 41। चलिए कुछ मेलों के ऊपर नजर डालते हैं। पांडू का मेला स्टूडेंट्स लगता है पफाना, पफाना पड़ता है करनाल में। ये चीजें कई बार संस्कृति है पूछी जा सकती हैं स्टूडेंट्स, तो इनको भी लिखिए। अक्षड़ियों का मेला स्टूडेंट्स लगता है अमरपुर में, गोगा पीर का मेला लगता है खेड़ा में, पारासर का मेला लगता है त्रावड़ी में, बाबा सिरमनदास का मेला लगता है इंद्री में। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में करनाल से संबंधित जो भी चीजें इम्पोर्टेंट मुझे लगी वो मैंने आपको कराई हैं। स्टूडेंट्स हमारे 6 जिले यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, एक बार जल्दी सभी जिलों को कंप्लीट करेंगे, बाकी हरियाणा जी इसको और बेहतर तरीके से बाद में आगे बढ़ाएंगे।
स्टूडेंट्स अपने चैनल पे ज्योग्राफी जारी है, हिस्ट्री जारी है, एक क्रम के अनुसार आप वो भी देखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़िए। लगता है कि लाइक की जाए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टूडेंट्स अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।